गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास सेवन्थ मैथ्स। और जो एक्सरसाइज हम डिस्कस कर रहे थे बेटा, वो है आपकी एक्सरसाइज 2.3 फ्रैक्शन। 2.2 को हमने कल कंप्लीट किया, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3 के बारे में। और अब तक जो आप पढ़ चुके हैं ना, वही है इसके अंदर, बस आपको अपना पढ़ा हुआ अब क्या करना है, यहाँ यूटिलाइज करना है, आपको समझना है। जैसे पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि सोल्व मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करना है और स्मॉलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। मतलब कैसे, देखिए, मल्टीप्लाई करना है। पहला 4/5 मल्टीप्लाई 2/7, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर कर जो स्मॉलेस्ट फॉर्म हो, अगर कट रहा हो तो काट देंगे, अदरवाइज वहीं रिमेनिंग कर देंगे। 4 8 जा 4 2 जा 8, 5 7 जा 35। क्या ये किसी की टेबल से कट आउट हो रहा है? क्या कट रहा है किसी की टेबल से? नहीं कट रहा, तो आप यहीं लिख के छोड़ देंगे, हमारा यही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 2 1/4 मल्टीप्लाई, 1/4 है बेटा, ठीक है ना मेरे बच्चे, 2 1/4 मल्टीप्लाई 1 3/4 1 3/4, जिसे आप लिखेंगे 4 2 जा 8 8 और 1 9 अपॉन 4, 4 1 जा 4 और 3 7 7 अपॉन 4, 9 7 जा 63, 4 4 जा 16। क्या किसी टेबल से कट रहा है? क्या नहीं कट रहा, तो यही हमारा आंसर, यही स्मॉलेस्ट फॉर्म में। जब कटेगा ही नहीं तो हम आगे क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिख सकते। थर्ड वाला है 4 3/4 4 3/4 मल्टीप्लाई 3 1/2 3 1/2, आप लिखेंगे 4 4 जा 16 और 3 19 अपॉन 4, 4 4 जा 16 और 3 19 अपॉन 4, 3 2 जा 6 और 7 अपॉन 2। अब 19 की टेबल 7 बार बोलो, यहाँ आ जाओ जिसको नहीं आता, डरने की जरूरत नहीं, 7 9 जा 63 और 7 1 जा 7 133, 133 अपॉन 4 2 जा 8। क्या 8 की टेबल से कट रहा है? क्या आप कहोगे नहीं कट रहा सर, तो वो क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। और इसी का क्वेश्चन नंबर डी है, वो डी आपको होमवर्क में करना है, 11/3 × 5/6, ये आपको घर से करना है, इसको साइड में कहीं लिख लीजिए, ठीक है। लिखिए बेटा यहाँ तक, फिर हम आगे बढ़ें। लिख लिया, इरेज करूं मेरे बच्चे? ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या आ गया है कि बॉक्स बनाए हुए हैं, अरेंज करना है। देखो क्या अरेंज करना है, 3/4 मल्टीप्लाई 6/7, फिर यहां एक बॉक्स है ना, फिर लिखा हुआ है 1/2 मल्टीप्लाई 15/16, ये बताना है कि बीच में कौन सा साइन आएगा, मतलब क्या दोनों इक्वल हैं, क्या ये वाला बड़ा है, क्या ये वाला बड़ा है, बताना है कौन सा बड़ा है साइन लगाकर, ठीक है। तो देखो 6 3 जा 18, 7 4 जा 28, 15 1 जा 15, 16 2 जा 32, ठीक है। ये कट रहा है किसी की टेबल से? हाँ या ना, जल्दी बताओ, क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है किसी की टेबल से? आप कहेंगे 2 से गया 9 बार, 2 से गया 14 बार, तो आप क्या लिखेंगे, 9 अपॉन 14, और वो आपका आ रहा है 15 अपॉन 32, और बीच में बॉक्स आप ऐसे के ऐसे लगा दोगे। अब हमें क्या पता कौन सा बड़ा है, हम डिवाइड करके देखेंगे तभी तो पता चलेगा, या हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा था कि डिनोमिनेटर सेम कर लो तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है। तो आप डिवाइड करके देख लो, सबसे अच्छा रहेगा आपके लिए। डिवाइड कैसे करेंगे, 9 में डिवाइड किया 14 का, 9 में डिवाइड जाएगा क्या? नहीं जाएगा, पॉइंट लगा दो जीरो के साथ, अब यहाँ जीरो। अब 14 की टेबल बोलो कितनी बार, कितनी बार बोलोगे, 7 बार बोल लो, 7 बार बोलोगे,
7 × 4 = 28 और 7 × 98 तो ज़्यादा हो गया, 6 बार बोलोगे तो कितना आ जाएगा, 6 × 4 = 24, 84, तो 84 कितनी बार, 0.6 आ रहा है, 0.6 आ रहा है किसका, किसका आ रहा है। अब जरा उसको चेक करते हैं, 15 में डिवाइड किया हमने 32 का, ठीक है, 15 में जाएगा नहीं, 0.0 लगा दिया। अब जरा टेबल बोलो इसकी, 32 की टेबल 150 में कितनी बार आ सकती है, जरा 5 ले लो, 5 × 2 = 10, 150 तो ज़्यादा आ गया, तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो ये बड़ा कि ये बड़ा पॉइंटों में, पॉइंटों में 6 बड़ा, कौन सा वाला, ये वाला बड़ा, तो आप लगा देंगे ये वाला बड़ा, ऐसे किधर मुँह कर दोगे, बड़े वाले की तरफ, कि ये वाला बड़ा है इसकी तुलना में, इसके कंपेयर, ठीक है। तो आपको डिवाइड करके देखना है, पॉइंटों में ये ज़्यादा आ रहा है उससे, तो आप डायरेक्टली चिन्ह लगा दोगे ऐसा, ठीक है, लिख लीजिए बेटा, लिख लीजिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें हम। अब इसका सेकंड वाला, ये तो हो गया फर्स्ट वाला, अब इसका सेकंड वाला आपको करना है होमवर्क में, एक मैं कराऊंगा एक आप करोगे, होमवर्क भी तो ज़रूरी है ना बच्चे, 1/4 × 20/21 बॉक्स बना रखा है, और आपका आ जाएगा 1/2 × 3/4, आपको चेक करना है कि कौन सा बड़ा है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप लिख लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। फिर लिख लिया, इरेज करूं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3, और 3 में कहा जा रहा है आपसे मल्टीप्लाई, वापस मल्टीप्लाई करना है और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन है आपका पहला आ रहा है 8/11 × 33/ क्वेश्चन है 33/64, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करने जाओगे तो बहुत बड़ा लगेगा, तो एक काम करो ना, 11 से इसको 1 बार काट दो, 11 से इसको 3 बार काट दो, 8 से 1 बार काट दो, 8 से 8 बार काट दो, तो 3 × 1 = 3 और 8 × 1 = 8, इससे ज़्यादा कट सकता है क्या, नहीं कट सकता, तो ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। पहले ही काट दो, इसको इससे काट दिया, इसको इससे काट दिया, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, कट सकता है इसलिए काट दिया। दूसरा क्वेश्चन है आपका 7/1/4 × 2/3/10, ठीक है, तो 7 × 4 = 28 और 1 = 29/4, 10 × 2 = 20 और 3 = 23/10, क्या कट रहा है कुछ, क्या पॉसिबिलिटी है कटने की, क्या 29 से कटेगा, नहीं कटेगा, 23 से कहीं से नहीं कट रहा। अब जब नहीं कट रहा तो क्या करोगे, 29 को मल्टीप्लाई करो 23 से, अब मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 3 × 9 = 27, 2 × 3 = 6, 8 × 2 = 18, 1 + 5 तो 7 × 6 = 16, तो आपका ऊपर तो आ गया 6 × 6 = 7 और नीचे आ गया 10 × 4 = 40, तो ये आपका आंसर आ गया मेरे बच्चे, कट नहीं रहा था तो हमने इतना ला के छोड़ दिया, ठीक है, जल्दी से लिखिए। लिख लिया, एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसका हम, फिर एक आपको होमवर्क में हम दे देंगे घर से करने के लिए, वो आप होमवर्क में हमें घर से करके दिखा देना, ठीक है बेटा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं सी वाला, वो टफ क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं ना, 3/4 × 5 × 4/3/4, 5 × 3 = 15 × 4 = 19/4, 4 × 4 = 16, 16 × 3 = 19/4, क्या कट रहा है, क्या देखो गौर से, कट रहा है क्या, कहीं आपस में कट रहे हैं क्या, नहीं कट रहे, 19 × 19 = 361, 4 × 5 = 20, नहीं कट रहा था तो हमने ऐसे कैसे लिख दिया, अगर कटता तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते, लेकिन ये कट ही नहीं रहा, आगे बात समझ में। इसी का जो डी है वो आपके लिए होमवर्क है,
क्या है डी, ध्यान से देखो, 11 अपॉन 7 इंटू 49 अपॉन 55, ये आपको घर से करके दिखाना है। तो आपको होमवर्क में मैंने 4-5 क्वेश्चन दिए हैं, फर्स्ट के, सेकंड के, थर्ड के, वो आपको घर से करके मुझे सेंड करने हैं, मैं आपका चेक कर दूंगा। और कोई भी डाउट आता है तो हम कब डिस्कस करेंगे डाउट को, सैटरडे की क्लास में, ठीक है। तब तक आप ये लिख लीजिए और इस होमवर्क को भी नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच, स्टे होम स्टे सेफ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है बेटा। ओके बेटा।